दोस्तों भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला गया आज दूसरा टेस्ट मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले में हमारी भारतीय टीम को जैसा कि हार का सामना करना पड़ा था 8 विकेटों के नुकसान पर, यहाँ पर हमारी भारतीय टीम हारी थी पहला टेस्ट मुकाबला। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम उस समय काफ़ी ज़्यादा खुशी से झूम रही थी, उछल रही थी। उन्हें लग रहा था कि पहला टेस्ट मुकाबला हमने जीत लिया है तो भारतीय टीम से दूसरा टेस्ट मुकाबला भी हम जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों शेर अगर 2 कदम पीछे की होता है तो दोस्तों 8 कदम आगे की ओर भी छलांग मारता है। और वही जज्बा वही जुनून के साथ हमारे भारतीय टीम के दिग्गज शेरों ने, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करने के लिए। लेकिन भारतीय टीम के हर एक बल्लेबाज ने अर्धशतक, शतक, दोहरा शतक ठोक दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की पूरी टीम की ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप सभी को इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, सांख रोक देने वाला काफी तूफानी रोमांचक मुकाबला खेला गया। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जब दूसरे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी न्यूजीलैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज़्यादा खुश हुए। उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को भी जीत लेंगे और भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर खदेड़ फेंकेंगे। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर स्ट्राइक अपने पास रखी। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, स्ट्राइक अपने पास रखी। और पहले ओवर की पांचवी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने भी एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों दूसरे ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने छक्का ठोक दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने फिर एक चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। और यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की पांचवी छठी बॉल पर 2 चौके लगातार जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान थे कि आखिरकार ये वही भारतीय टीम है जो पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन 46 रनों पर आउट हो गई थी या ये दूसरी भारतीय टीम है। कोच गौतम गंभीर को पता था कि रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जरूर करेंगे। दोस्तों रोहित शर्मा ने चौथे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। दोस्तों पांचवें ओवर की पहली बॉल पर जायसवाल ने चौका ठोक दिया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर जायसवाल ने दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने पांचवें ओवर की बची 4 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और काफी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने रोहित शर्मा को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर बेहतरीन विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रोहित शर्मा ने छठे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। सातवें ओवर की पहली बॉल पर 1 चौका यहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने फिर चौका ठोक दिया। सातवें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने सातवें ओवर की बची 2 गेंदों पर शानदार 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक शेर मैदान पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक शेर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित शर्मा ने काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में 8वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर चौका ठोक दिया। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक जायसवाल को दी। जायसवाल ने 8वें ओवर की छठी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन दोस्तों कैच आउट का सामना कर बैठे। यशस्वी जायसवाल जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी
विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। हालांकि विराट कोहली का बल्ला पहले टेस्ट मुकाबले में नहीं चला था, इसका ये मतलब नहीं कि विराट कोहली एक बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है। दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए। विराट कोहली ने दोस्तों 9 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की सारी की सारी अकड़ ठिकाने लगा दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने दोस्तों 10वें ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़ कर एक रन लिया स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर एक चौका ठोक दिया। 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़ कर एक रन ले लिया। दोस्तों विराट कोहली ने 10वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का ठोक दिया। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर रोहित शर्मा को आउट करें तो करें कैसे। रोहित शर्मा और विराट कोहली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और 85 रन ठोक चुके थे और अभी भी नॉट आउट थे। दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 12वें ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। तो वहीं दोस्तों 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का विराट कोहली ने ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर काफ़ी बेहतरीन अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया विराट कोहली रोहित शर्मा को आउट करने के लिए। विराट कोहली ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। विराट कोहली काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए और 100 रन ठोक करके सेंचुरी पूरी कर दी और अभी भी नॉट आउट थे। 16वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने छक्का ठोक दिया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक विराट कोहली को दी। विराट कोहली ने 16वें ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर काफी आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों को आउट करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर रोहित शर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज कुछ ऐसे थे जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चेक करने के लिए बार बार जा रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर विराट कोहली ने दोस्तों 18वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़ कर एक रन लिया स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। रोहित शर्मा ने 18वें ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर मैदान पर काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा ने 21वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और न्यूजीलैंड के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। कोच गौतम गंभीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड के कोच के भी पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 23वें ओवर की 4थी बॉल पर जब 128 रन ठोक करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन भारतीय टीम के शेयर ने सेंचुरी पूरी कर दी। अब विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा भी यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें दोस्तों 31वें ओवर की 4थी बॉल पर आउट हुए, 200 से ज्यादा रन ठोक करके दोहरी शतकीय पारी ठोक डाली। दोस्तों सरफराज खान और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दोनों शेयर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और ये दोनों शेयर वही हैं जब भारतीय टीम काफी ज्यादा मुश्किलों में थी पहले टेस्ट मुकाबले में। तो सरफराज खान ने 150 रन ठोके थे और सेंचुरी यानी कि 99 रन यहां पर ऋषभ पंत ने भी ठोक दिए थे और इन दोनों शेयरों ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले इनिंग में न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 32वें ओवर की 6 गेंदों पर सरफराज खान ने 2 चौके 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 33वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके यहां पर दोस्तों जो है ऋषभ पंत ने ठोक दिए। ऋषभ पंत और सरफराज खान एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान
फैन काफी ज्यादा हैरान परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान परेशान थे आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है जो इतनी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों 34वें ओवर की पहली बॉल पर यहाँ पर चौका सरफराज खान ने ठोक दिया। 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। 34वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक ऋषभ पंत को दी। ऋषभ पंत ने 34वें ओवर की बची तीन गेंदों पर शानदार तीन चौके ठोक दिए। ऋषभ पंत और सरफराज खान का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था। 35वें ओवर की छह गेंदों पर 7 रन सरफराज खान ने ठोक दिए। 36वें ओवर की छह गेंदों पर 11 रन ऋषभ पंत ने ठोक दिए। 37वें ओवर की छह गेंदों पर 4 रन सरफराज खान ने ठोक दिए। 38वें ओवर की छह गेंदों पर 3 रन ऋषभ पंत ने ठोक दिए। 39वें ओवर की छह गेंदों पर 9 रन सरफराज खान ने ठोक दिए। ऋषभ पंत ने 40वें ओवर की छह गेंदों पर दो कवर ड्राइव के चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर मैदान पर काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट करें तो करें कैसे। दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के शेर सरफराज खान और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज अर्धशतक के करीब थे और अभी भी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो दौड़कर सरफराज खान और ऋषभ पंत का बल्ला चेक करने के लिए जा रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान ने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से 46वें ओवर की छह गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 48वें ओवर की छह गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ठोक दिया। ऋषभ पंत ने यहां पर दोस्तों 52 रन ठोक दिए तो वहीं दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 55 रन सरफराज खान भी ठोक चुके थे और दोनों शेर अभी नॉट आउट थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों 49वें ओवर की 6 गेंदों पर 7 रन सरफराज खान ने बना दिए। 50वें ओवर की 6 गेंदों पर 11 रन ऋषभ पंत ने ठोक दिए। 51वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 रन सरफराज खान ने बनाए। 52वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 रन ऋषभ पंत ने बनाए। अब ऋषभ पंत और सरफराज खान लो हो गए क्योंकि उनको अपना अपना शतक पूरा करना था, ज्यादा बेहतरीन तरीके से नहीं आराम आराम से बल्लेबाजी करनी थी। तो वहीं ऋषभ पंत ने दोस्तों तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को ले रहते हुए 14 रन ठोक दिए और 72 रन पूरे कर लिया दोस्तों 55वें ओवर तक पहुंचते और अभी भी नॉट आउट थे। 56वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 रन ऋषभ पंत ने ठोके। 57वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 रन सरफराज खान ने ठोके। लेकिन भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा जब 82 रन ठोक करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें सरफराज खान आउट हुए। सरफराज खान के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए थे। वहीं दोस्तों 92 यानी कि 92 रन ठोक करके यहां पर दोस्तों ऋषभ पंत भी आउट हुए। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा ये दो ही ऐसे बल्लेबाज बचे थे। अगर ये आउट हो जाते जल्दी तो समझ लीजिए कि भारतीय टीम इतना बेहतरीन रन स्कोर नहीं खींच पाती। लेकिन इन दोनों शेरों ने न्यूजीलैंड की टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन दोनों शेरों का बल्ला मैदान पर बेहतरीन विस्फोटक तरीके से चला। दोस्तों आप सभी को बता दें तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर गेंदबाज और बल्लेबाज बेहतरीन खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। 58वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके रविंद्र जडेजा ने ठोक दिए। 59वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन रविचंद्र अश्विन ने ठोक दिए। रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर बेहतरीन तरीके से गरज रहा था। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर ठीक तूफानी विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम को टेस्ट मुकाबले में धोया था 83 रन जडेजा ने ठोके थे, 103 रन रविचंद्र अश्विन ने ठोके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी और न्यूजीलैंड की टीम की धज्जियां उड़ाकर गगनी। हमारी भारतीय टीम भले ही चाहे पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा लेकिन दोस्तों दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट मुकाबला जरूर जीतेगी। आप लोग ईश्वर से दुआएं कामनाएं बनाए रखें कि दूसरा टेस्ट मुकाबला 24 अक्टूबर को होगा, हमारी भारतीय टीम जीते। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी हाईलाइट वीडियो हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ईश्वर से दुआएं कामनाएं बनाए रखें कि दूसरा टेस्ट हमारी भारतीय टीम जीते। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।